हेलो एवरीवन, तो आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फ्रेम स्लाइडर निंजा 300 के लिए। ये डिज़ाइन की रेट्रोकॉस कंपनी ने एबीएस और नॉन एबीएस मॉडल के लिए। कुछ इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, नाउ अब हम इसको असेंबल करते हैं। काफ़ी जेन्युइन और सेपरेटली पैक है ये। एक सेट पेयर मिलता है हमको फ्रेम स्लाइडर का फॉर लेफ्ट एंड राइट साइड के लिए। दिस इज मेड फ्रॉम हाई ग्रेड पॉलीमर मटेरियल जो कि हमारे बाइक को प्रोटेक्ट करेगा सडन शॉक एंड लो एंड हाई स्लाइड से। इट इज लोड क्रैश शॉक टेस्टेड, इट कैन एब्जॉर्ब 5 टन वेट। लेजर वाटर मार्किंग प्रोसीजर, वाटर मार्क मेड बाय लेजर प्रोसेस। इसको CNC मशीन द्वारा हाई ग्रेड एल्युमिनियम मटेरियल से बनाया हुआ है और परफेक्ट फिटिंग एंड स्मार्ट फिनिश। एंड इसमें हमको लॉक प्रूफ नट मिलते हैं जो कि वाइब्रेशन से खुलते नहीं हैं। फेट प्रूफ एंड ब्राइट साइड के लिए एनोडाइजिंग प्रोसेस की हुई है सारे एल्युमिनियम मटेरियल पर। एक्सटेंडर प्लेट है एनोडाइजिंग प्रोसेस की हुई फॉर ब्राइट साइड। इसमें कुछ हमको नट बोल्ट्स मिलते हैं हमारे स्लाइडर को फिटिंग करने के लिए। इसमें सारा मटेरियल एनोडाइजिंग प्रोसेस किया हुआ है। एल्युमिनियम मटेरियल CNC मेड एक्सटेंडर रॉड है जो कि चेसिस प्लेट से स्लाइडर को फ्रेम तक लाती है। एंड दिस प्लेट फॉर अनदर साइड। वन मोर एक्सटेंडर प्लेट जिसमें एक साइड हमको थ्रेडिंग मिलती है और एक साइड नट के लिए जगह मिलती है। कुछ नट बोल्ट्स हैं जो हमको इस पैकेज में मिलते हैं। ये अनब्रेको नट है जो कि चेसिस प्लेट को चेसिस से माउंट करते हैं। वन मोर एक्सटेंडर रॉड फॉर सेकेंड साइड। ये दो पीस स्लाइडर एक्सटेंडर रॉड के हैं और इनको स्लाइडर माउंट करते हैं जो बाइक के फ्रेम को सेव करते हैं। इस तरह से इनको माउंट किया जाता है। स्मॉल एलन की नट में बाइसर को सेट करना है एंड इस तरह से हमको स्लाइडर में सेट करना है। देन शॉर्ट एक्सटेंडर फ्रेम रॉड लगानी है। देन एक्सटेंडर प्लेट यूज करना है, थर्ड साइड से इसको टाइट करना है। आप एलन की से भी इसको टाइट कर सकते हैं। आउटसाइड का स्लाइडर पूरी अच्छी तरीके से माउंट हो चुका है, इस तरह से आपको माउंट करना है। एंड लॉन्ग एलन की नट को हमको इसमें सेट करना है। एल्युमिनियम रॉड को हमको इस एलन की नट में सेट करना है। नट साइड से चेसिस प्लेट को माउंट कर लें और फ्रेम इंस्टॉल करने के बाद सारे नट को एलन की से अच्छी तरह से टाइट कर लें। सो फ्रेंड्स, फ्रेम स्लाइडर के सारे पार्ट असेंबल हो चुके हैं। फाइनली जब आप इनको इंस्टॉल करें फ्रेम में, वन बाई वन सारे नट को एलन की से टाइट करें। ये दो पीस अनब्रेको के नट हैं जो कि चेसिस प्लेट को चेसिस से माउंट करेंगे। स्टेप से आपको चेसिस में इसको माउंट करना है। सो फ्रेंड, वन बाई वन आपको फ्रेम में इसी तरह से इंस्टॉल करना है। चलिए आपको कुछ पिक्स दिखाता हूँ इंस्टॉल किए। पार्ट आपको फेयरिंग के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन वीडियो कमिंग सून फ्रेंड्स। तो ये आउटर का पार्ट है, इसको सबसे बाद में लगाना है, एलन की से अच्छे से टाइट करना है। डोंट फॉरगेट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।